नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे चेक करेंगे, उसी के साथ अदानी पावर के चार्ट एनालिसिस के ऊपर नजर डालेंगे और फंडामेंटल नंबर्स भी चेक करेंगे। तो आप लोग, आपको भी कोई यहाँ पे स्टॉक का यहाँ पे एनालिसिस चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आपको उस स्टॉक की एनालिसिस मिल जाएंगे। तो रिसेंटली अदानी पावर स्टॉक की भी बात की जाए तो स्टॉक ने आज यहाँ पे काफ़ी गिरावट के बाद आज फिर से मीन्स एक बार अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है। 5% का अपर सर्किट एंड ऑफ द डे में लगता हुआ नजर आ चुका है। तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन काफ़ी गिरावट देखने को मिले स्टॉक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, उसमें काफ़ी नीचे आया स्टॉक, ऊपर काफ़ी था स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था। पर रिसेंटली स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते 150 लेवल के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो चुका है। पर 200 लेवल जो है स्टॉक की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट 200 लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट है, उस लेवल के करीबन स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से 200 लेवल के करीबन। तो स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि तकरीबन अदानी पावर स्टॉक ने आज जैसे ओपन हुआ स्टॉक के अंदर दोपहर के बाद एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली और एंड ऑफ द डे में अपर सर्किट में लॉक हो चुका था। 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका था अदानी पावर के लिए। पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद वीक मोमेंटम नजर आई थी, पर रिसेंटली स्टॉक यहाँ पे सस्टेन होता है कोई एक लेवल पे, तो यहाँ पे 200 लेवल के ऊपर सस्टेन होता था स्टॉक तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते थे। पर जैसे कि न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है रिसेंटली अदानी ग्रुप के शेयर्स में, उसी की वजह से देख सकते कि स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जो ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। तो रिसेंटली जो न्यूज़ फ्लो कम नहीं होता तब तक यहाँ पे आप लोग अवॉइड भी करोगे इस स्टॉक को तो भी अच्छा रहेगा। और जब इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप लोग पे आपके एनालिस्ट से पूछकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लिमिटेड है ना कि छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है रिसेंटली, क्योंकि न्यूज फ्लो जो है अदानी ग्रुप के शेयरों में वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो देख सकते कि स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट भी देखा जाए अदानी पावर का, तो देख सकते कि अदानी पावर स्टॉक जैसे ही 100 लेवल को ब्रेक किया तो स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली, फिर 200 लेवल को ब्रेक किया और रिसेंटली देख सकते कि लास्ट 1 ईयर में काफी तेजी देखने को मिली, तो उसी तेजी के साथ स्टॉक फिर से नीचे आ चुका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आते स्टॉक में काफी गिरावट देखने को मिली और रिसेंटली 200 लेवल के करीबन यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक का यहाँ पे देख सकते कि पिछले यहाँ पे 5 सालों की बात की जाए तो स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया था, 400 लेवल के करीबन चक गया था स्टॉक, पर यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया तो गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट 1 ईयर की भी चार्ट देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन जनवरी मंथ में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए तो स्टॉक यहाँ पे नेगेटिविटी के साथ गिरावट हो चुकी थी और रिसेंटली यहाँ पे डबल बॉटम भी फॉर्म हो चुका है 150 के करीबन, 140-150 के करीबन, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते कि स्टॉक का यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में भी यहाँ पे 40% डाउन है स्टॉक और उसके लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो स्टॉक तकरीबन सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, 200 लेवल का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो देख सकते कि स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे अदानी पावर का हम लोग चार्ट एनालिसिस देखे जाए तो ये मंथली चार्ट एनालिसिस है अदानी पावर के लिए। तो अदानी पावर का ये मंथली चार्ट फ्रेम एनालिसिस पे आप लोग नज़र डाल सकते हो, क्वार्टर की अर्निंग्स भी आ जाएंगे इस मंथ में। तो देख सकते कि लेटेस्ट अपडेट कोई है क्या, तो देख सकते कि अदानी पावर टू सप्लाई पावर टू MPSEZ यूटिलिटीज फॉर 15 ईयर्स, जो कि अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते कि अदानी पावर के लिए, जिस वजह से स्टॉक में आज तेजी देखने को मिले क्योंकि अदानी पावर यहाँ पे पावर सप्लाई करने वाला है MPSEZ को तकरीबन 15 साल मीन्स 15 साल के लिए पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देख सकते कि अदानी पावर साइंस लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट विद MPSEZ यूटिलिटीज, तो देख सकते कि एक अच्छा ऑर्डर आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे अदानी पावर के लिए, एक अच्छी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि अदानी पावर के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। इस यहाँ पे आप देख सकते कि ऊपर लेके जा सकता है। तो इस मंथ में तो अभी तक चॉपी मूवमेंट नजर आई है स्टॉक के अंदर, तो देख सकते कि जैसे अदानी ग्रुप में यहाँ पे देख सकते कि पिछले साल से गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी पर यहाँ पे 300 लेवल के करीबन स्टॉक सपोर्ट लेके यहाँ पे सस्टेन था 300 के ऊपर नीचे, पर जैसे यहाँ पे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए तो स्टॉक में यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिली। पिछले 2 महीनों में जो गिरावट हो चुकी थी मंथ जनवरी फरवरी में वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वजह से यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी और रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक 144 लेवल पे जहाँ पे हमने मार्क किया था
वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वहीं से ऊपर बाउंस बैक हो चुका है। तो रिसेंटली 200 लेवल जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी मानी जा इम्पॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, तो 200 लेवल के ऊपर जब सस्टेन होगा स्टॉक तो एक अच्छे मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिल सकते हैं। 250 लेवल तक यहाँ पे 250 टू 270 लेवल तक अगले रेजिस्टेंस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जब 200 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, देख सकते हैं स्टॉक उसी लेवल के करीब है। हिंदन बग रिपोर्ट आने के पहले स्टॉक उसी के पास यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका था। तो देख सकते कि हम लोगों ने मंथली चार्ट एनालिसिस के ऊपर नजर डाली है, तो रिसेंटली डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर नजर डालेंगे। तो डेली चार्ट फ्रेम की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे रिसेंटली देख सकते कि कौन से लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि स्टॉक की बात की जाए तो करंटली यहाँ पे देख सकते काफी मोमेंटम की बात की जाए तो चौपी नजर आ चुके हैं। आज बुलिश मोमेंट होती हुई दिखाई दी है, पर इम्पोर्टेंटली जो लेवल है 200 लेवल, 200 लेवल के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना चाहिए। 200 लेवल का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे स्ट्रांग लेता हुआ नजर आ चुका था पिछले मंथ में और इस मंथ में भी। तो 200 लेवल ब्रेक होती है और ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए। रिसेंटली पिछले एक डेढ़ महीने से देख सकते हो कि वॉल्यूम्स काफी कम नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स यहाँ पे बड़े बड़े आते हैं तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वॉलेटिलिटी भी जो है बढ़ सकती है स्टॉक के अंदर। तो वॉल्यूम्स यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं, उसी की वजह से देख सकते हैं कि स्टॉक में चौपी मोमेंटम नजर आ रही है और छोटी छोटी कैंडल देखने को वीक मोमेंटम नजर आती हुई दिखाई दे रहे। वॉल्यूम्स बढ़ते हैं स्टॉक के अंदर तो एक अच्छी मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो फंडामेंटल के ऊपर नजर डालेंगे, फंडामेंटल्स की भी बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक के यहाँ पे क्वार्टर के नतीजे अभी फोन अब तक आए नहीं है। अदानी पावर 196 पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, आज यहाँ पे आप देख सकते अपर सर्किट लग चुका है। मार्केट कैप 75,000 करोड़ का, पी रेशियो 7.45 का जो कि अच्छा पी रेशियो नजर आ चुका है अदानी पावर के लिए। बुक वैल्यू ₹62 का है, डिविडेंड नहीं दे रहा है स्टॉक, ROC 16.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के ऊपर लोन जो है 45,000 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट जो है 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में अच्छा यहाँ पे बुक करता हुआ नजर आ रहा है अदानी पावर, उसी के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। EPS ₹26 है, पॉजिटिव है, रिटर्न की बात की जाए तो एक साल में 16% डाउन है, पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। 3,528 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ चुका है अदानी पावर को इस साल में, मीन्स यहाँ पे परसेंटेज अप है। सेल्स ग्रोथ भी देख सकते 66% अप है कंपनी का, तो पिछले तीन सालों में 93% प्रॉफिट ऑफ है और सेल्स 5% ऑफ है। जो चिंताजनक की बात है अदानी पावर में जो कि प्रमोट होल्डिंग अच्छी खासी है पर उसमें शेयर्स प्लेज है 25%, मीन्स तकरीबन जो शेयर्स प्लेज होते हैं वो यहाँ पे आगे जाके दिक्कतें देते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रहे शेयर्स यहाँ पे प्लेज दिखाई दे रहे। तो देख सकते कि क्वार्टर के नतीजे अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे कम होंगे क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से काफी हलचल मची थी स्टॉक के अंदर। क्वार्टर के भी नतीजे देखे जाए तो रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर में बहुत कम प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है अदानी पावर के लिए, क्योंकि देख सकते कि जून क्वार्टर में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर दिसंबर में 200 करोड़ का प्रॉफिट था पर इस साल सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि काफी कम यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। तो उसी की वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है इस साल के रिजल्ट मार्च क्वार्टर के नतीजे के ऊपर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन अदानी पावर के लिए।